गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST मूल्य संवर्धित कर के रूप में। GST भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। हालांकि इसकी तैयारियों में कई वर्ष लग गए। इसके पूर्व हमारे देश में कई प्रकार के अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते थे, जैसे वस्तुओं के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क लिया जाता था, सामान की बिक्री पर बिक्री कर लगाया जाता था, सेवा कर जैसे मोबाइल सेवा, रेस्तरां सेवा आदि की बिक्री पर सेवा शुल्क लिया जाता था। GST के लागू होने से अप्रत्यक्ष करों को गुड्स और सर्विस टैक्स की एक प्रणाली में बदल दिया गया है। इसमें वस्तु और सेवा के उत्पादन और बिक्री दोनों कर शामिल हैं। आधुनिक उत्पादन और बिक्री प्रक्रिया जटिल है, क्योंकि ये कई चरणों से गुजरते हैं। यहाँ तक कि सबसे सरल उत्पादन की प्रक्रिया में कुछ चरण शामिल रहते हैं। प्रत्येक चरण में कुछ संवर्धित मूल्य भी होता है। हम इसे निम्न उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। एक बिस्किट निर्माता अपने कच्चे माल को खुले में बिना किसी ब्रांड के खरीदता है। बिस्किट बनाने के लिए वह गेहूं का आटा, चीनी जैसी सामग्री खरीदता है, जिस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता। मान लीजिए कि वह 450 रुपये के बिस्किट तैयार करता है, जिसमें उसकी सारी लागत इस आंकड़े में शामिल है, जैसे कच्चा माल, श्रमिक की मजदूरी, कार्यालय और कारखाने का किराया आदि। अगर वह 50 रुपये अपने लाभ का अंश जोड़ता है, तो बिस्किट का विक्रय मूल्य 500 रुपये हो जाएगा। यह बिस्किट वह एक व्यापारी को बेचता है और बिक्री के समय बिस्किट निर्माता को निर्धारित कर की दर पर GST का भुगतान करना पड़ता है। यदि GST की दर 18% है, तो बिस्किट निर्माता को 90 रुपये, 500 रुपये का 8% का भुगतान कर के रूप में बिस्किट खरीदने वाले व्यापारी से लेना होगा। यह टैक्स व्यापारी से बिस्किट निर्माता द्वारा एकत्र करने के बाद सरकार को जमा किया जाएगा। व्यापारी का बिल कुछ इस प्रकार का होगा। बिस्कुट का मूल्य 500 रुपये, GST 90 रुपये, कुल 590 रुपये। यह व्यापारी सामान का भंडारण करता है, एक दुकान का रखरखाव करता है, काम करने के लिए कर्मचारी भी रखता है। वह इन बिस्कुट को एक खुदरा दुकानदार को 700 रुपये में बेचता है। इस रकम में उसकी सभी लागत और लाभ शामिल है। 700 रुपये को उसका अंतिम मूल्य माना जा सकता है। 18% GST पर उसे 126 रुपये GST यानी 700 का 18% के रूप में भुगतान करना चाहिए। याद कीजिए, व्यापारी ने बिस्किट निर्माता से बिस्किट खरीदते समय पहले ही 90 रुपये GST के रूप में चुकाए हैं, इसलिए कर के रूप में पहले से भुगतान किए गए 90 रुपये को इस 126 रुपये में से कम कर दिया जाएगा और बाकी का भुगतान 126 - 90 = 36 रुपये व्यापारी को करना होगा। उसको भुगतान में से 90 रुपये का श्रेय मिलेगा जो उसने खरीदते समय निर्माता को भुगतान किया। इसे इनपुट टैक्स क्रेडिट भी कहा जाता है। तीन चीज़ें यहाँ उल्लेखनीय हैं। किसी भी सामान पर संवर्धित कर प्रणाली के तहत भुगतान किया जाने वाला टैक्स कम होता है, क्योंकि इनपुट पर दोबारा टैक्स नहीं देना पड़ता। GST के तहत कीमत में टैक्स कम होने की उम्मीद बनती है। GST में बिलों यानी चलान की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह सबूत प्रदान करता है कि खरीदार ने इनपुट पर GST का भुगतान किया है या नहीं। हमारे व्यापारी वाले उदाहरण में जब तक वह अपनी खरीद का सबूत प्रस्तुत नहीं करता है, उसे सरकार को कर के भुगतान के रूप में 36 रुपये की जगह 126 रुपये देने होंगे। इस तरह वह बिस्किट निर्माता से बिल देने की शर्त पर ही बिस्किट खरीदेगा। इसी तरह खुदरा स्टोर मालिक पहले से भुगतान किए गए करों को दिखाने के लिए व्यापारी से एक बिल मांगना याद रखेगा। GST के तहत प्रत्येक मध्यस्थ को लेन देन का उचित बिल रखने और टैक्स का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित होता रहेगा। इस प्रकार यह अधिक संभावना है कि लोग अवश्य कर का भुगतान करेंगे और करों की चोरी कम होगी। हालांकि कर निर्माता या व्यापारी द्वारा कर लगाया जाता है, परंतु अंत में उपभोक्ता ही कर का भुगतान करता है। उपभोक्ता कीमत में छिपे कर के बारे में अक्सर अनजान होता है, क्योंकि यह उपभोक्ता से अप्रत्यक्ष रूप में एकत्र किया जाता है।
निर्माता और व्यापारी टैक्स एकत्रित करते हैं और सरकार के पास जमा करते हैं। जीएसटी की पारदर्शी प्रणाली के कुछ अन्य फायदे भी हैं। जब कई करों का इस्तेमाल किया जाता था तो उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ता करों की एक लंबी श्रृंखला बनती थी। यह कर एक चरण से दूसरे चरण में स्थानांतरित होता है और यह मूल्य में ही छिपा रहता है। भुगतान किए गए सभी करों का खुलासा नहीं किया जाता था। इसका उल्लेख सभी करों सहित कीमत से कर दिया जाता है, लेकिन कितना कर है यह बताया नहीं जाता। जीएसटी के तहत एक उत्पाद पर टैक्स बिल में विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण अंतर है कि यह पूरे देश के लिए एकल कर है। जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं में देश भर में कर की दर समान होती है, चाहे वह फैक्ट्री के बगल में बेचा जाता है जहां यह उत्पादन किया जाता है या हजारों किलोमीटर दूर, कर शुल्क एक ही लगाया जाएगा। इससे पहले राज्यों में टैक्स की दर भिन्न भिन्न होती थी। दवाइयाँ या मोटरसाइकिल एक राज्य से दूसरे की तुलना में सस्ते थे। नतीजतन राज्यों के बीच अवांछनीय प्रतियोगिता थी, जिसमें उद्योग और व्यापार एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन किया करते थे। आवश्यक टैक्स का भुगतान किए बिना कई लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की तस्करी करते थे। इसके अलावा राज्यों में सामानों की आवाजाही के लिए प्रवेश कर लिया जाता था, जो प्रदेश की सीमा पर एकत्र किया जाता था। आपने राज्य की सीमाओं पर या शहरों के प्रवेश बिंदु पर ट्रकों की लंबी लाइन को देखा होगा। जीएसटी के तहत इन समस्याओं से बचा जा सकेगा और इससे बहुत समय एवं ऊर्जा की बचत होगी। हालांकि जीएसटी को अभी भी कुछ रास्ता तय करना है। उदाहरण के लिए कुछ और महत्वपूर्ण मध्यवर्ती उत्पाद जैसे पेट्रोल और डीजल जीएसटी में शामिल नहीं किए गए हैं और इन उत्पादों को पहले के रूप में लगाया जाना जारी है। आप सोच सकते हैं कि अभी तक पेट्रोल और डीजल पर कोई जीएसटी क्यों नहीं लगाया गया। पेट्रोल और डीजल पर बिक्री कर राज्यों की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। राज्य इन उत्पादों पर कर लगाकर आय प्राप्त करने की शक्ति को खोना नहीं चाहती है। राज्यों द्वारा बिक्री कर को पूरा अपने पास रखा जा सकता है, जिसको केंद्र सरकार से साझा करने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार हर सरकार अपने लिए अधिकतम आय का हिस्सा रखना चाहती है और उनको अपनी जरूरत अनुसार उपयोग करना चाहती है।